और अगर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के प्रचार की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऊना के कांगड़ा मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि देवभूमि की जनता पूरे बहुमत से महंगाई से राहत देने वाली पुरानी पेंशन, रोजगार, हर घर लक्ष्मी, विकास वाली सरकार चुनने जा रही है। भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहां चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहां इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1,00,000 रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं? कहते कि ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे कर डाला? आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार ने 5,00,000 रोजगार दिए 3 सालों में।